नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर बिहार मधेपुरा से। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच ब्लड डोनेशन बिफोर वैक्सीनेशन के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मिशन के संरक्षक अरविंद प्राण सुक्का ने कहा, राष्ट्र आज विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, राष्ट्र को युवाओं की जरूरत है, राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए वैक्सीन लेने से पूर्व रक्तदान कर देश की सेवा करनी चाहिए। मिशन के रक्त प्रबंधक सागर यादव ने कहा, मिशन के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन से पूर्व रक्तदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करने की जरूरत है। अगर इस परिस्थिति में देश के युवा आगे नहीं आते तो जिस प्रकार अभी ऑक्सीजन की कमी से जाने जा रही हैं, उसी तरह रक्त की कमी से जाने जाएंगी और हम सभी निसहाय बनकर देखते रह जाएंगे। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में बनावर एक प्रयास के सचिव सोनू सरकार, कर्मश्रेष्ठ फाउंडेशन के सचिव सूरज सिंह तोमर, मिशन के जिला प्रबंधक शशि भूषण कुमार, सागर मल्होत्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर सोनू सरकार और सूरज कुमार सिंह तोमर ने कहा, विषम परिस्थितियों में युवाओं ने राष्ट्र के साथ खड़ा होकर बड़ी से बड़ी आपदा पर विजय पाई है। इस अवसर पर 7 रक्तवीर रक्तदान किए, जिसमें अभिषेक कुमार आनंद, ललित भगत, सुमन कुमार, चंदन कुमार, दौलत कुमार, अभिषेक झा, मिशन के रक्त प्रबंधक सागर यादव ने रक्तदान किया। मिशन के संस्थापक भास्कर कुमार निखिल ने कहा, मिशन का है संकल्प, रक्त बिना ना हो किसी की मौत। पुनः रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। मधेपुरा से रामानंद कुमार की रिपोर्ट।